नैनीताल में गागर के पास एक छोटी सी जगह है कुलीटी। उसके पास से एक कच्चा रास्ता भवाली की तरफ निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि अभी जिम कॉर्बेट ने भी इस रास्ते को यूज़ किया था जब वो मुक्तेश्वर गए थे, मुक्तेश्वर मैन ईटिंग टाइगर को मारने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है, काफ़ी सारे जानवर दिखाई देते हैं। हम लोग भी आज उसी जगह पे। टिट एक बर्ड दिखी हमको, येलो थ्रॉटेड मार्टिन हमें उसी रास्ते पे दिखाई दिया। वो सीधे सीधे हमारी तरफ आ रहा था। नज़दीक आते ही जैसी हमारे ऊपर नज़र पड़ी, हमको देख के चौंका और राइट साइड में होकर भाग गया। हमें एक कलेज फिजेंट भी दिखाई दिया थोड़ी देर के लिए। हम उतर कर नीचे चट्टान वाले हिस्से में आ गए। यहाँ पर से हम देख ही रहे थे कि हमको दोबारा से येलो थ्रॉटेड मार्टिन दिखाई दे गया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ये अक्सर इतने ज़्यादा नहीं दिखते, लेकिन हम लकी रहे कि हमको एक दिन में ही दो बार दिख गया। सामने पेड़ में दूर कुछ वल्चर्स रूस कर रहे थे जो रवि को दिखाई दिए। रवि उनको फोटोग्राफ करने लगा। मैं थोड़ा सा नीचे चला गया, गुरल या चीर फिजेंट देखने के लिए कभी कभी दिख जाते हैं यहाँ पर। इस चट्टान में जाकर मैं बैठ गया। यहाँ पर से एकदम से मुझे गुरल और लंगूर की अलार्म कॉल सुनाई दी। मैं देख ही रहा था चारों तरफ, मुझे लगा शायद है कि लेपर्ड है यहाँ पर। ना हमें लंगूर दिख रहे थे ना गुरल दिख रहे थे। सडनली सना को पत्थर के ऊपर, सना साइटेड चल रहा है। उसकी आवाज सुनते ही मैंने भी देखा उस तरफ और मुझे भी दिखाई दे दिया खूबसूरत लेपर्ड गुरल हैबिटेट में। इस जंगल को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे अंदाज़ा गया था कि इस जंगल में पीछे की तरफ से अगर हम आगे पहुंच जाएं तो हम इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो कोई 150 मीटर हम दौड़कर जल्दी से आ गए जिस तरफ को लेपर्ड जा रहा था, और वहां पर आकर हम उसका इंतज़ार करने लगे। यही बार हमारे पास लेपर्ड, जिस तरफ लेपर्ड गया था उस तरफ से बटिया आती है, और वो बटिया कि अगर हम यहाँ पर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो वो बटिया से अगर आएगा लेपर्ड तो सामने नीचे की तरफ दिख जाएगा। और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेपर्ड नीचे से चलता हुआ ठीक हमारे सामने था। मेरा सर का हिस्सा उसको दिख रहा होगा। शुरू में तो उसने सोचा शायद मैं कोई जानवर हूँ, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगने लग गया कि उसकी समझ में आ गया है कि मैं एक इंसान हूँ। तो चुपचाप मेरे को देखता रहा। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़कर और दूसरे हाथ से सना को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और मैं लेपर्ड को ही देखता रहा। सना जैसे ही मेरे पास पहुँची, लेपर्ड कुछ डर गया, इंसान से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं, और वो एक छलांग मार के वापस जिधर से आया था उधर ही चला गया।